नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। अभी जो नया प्रॉब्लम आया है उस वाले प्रॉब्लम के बारे में आज बात करने वाले हैं। पहले मैंने अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे आपको जाना है ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस, मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो क्लेम रिजेक्ट बैंक बाय नॉट डिजिटल अप्रूव बाय एम्प्लॉयर। कुछ दिन तो यहाँ पे एरर आ रहा था ऑनलाइन सर्विस पे जाने के बाद, क्लेम करने नहीं देता था। मैंने अभी इसको दिखा देता हूँ, ये पे यहाँ पे अभी क्लेम करने के लिए दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब स्टेटस चेक करने आते हो वहाँ पे फिर दोबारा नेक्स्ट लेवल पे अभी ये रिजेक्शन आने लग गया। अब यहाँ पे देख सकते हो ऐसे नहीं है, जो KYC यहाँ पे अपडेट नहीं है। मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ मैनेज पे जाके जो KYC कहाँ पे अपडेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो KYC अपडेट में मैं जैसे गया, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक KYC ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो रखा है। उससे पहले मैंने आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस में जा रहा हूँ। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे क्लेम स्टेटस में मैंने दोबारा वहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलरेडी ये 3 बार क्लेम हो चुका है, सेटल भी हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर बैंक KYC नहीं होता तो ये आने का कोई मतलब था। चलो ये बैंक KYC कुछ गलत है, KYC अपडेट नहीं है तो ये वाले आने का कोई मतलब था, लेकिन अभी ये वाले क्लेम रिजेक्ट अभी होने लग गया। तो आप लोगों के पास भी ऐसे आ रहा होगा। उसके बाद मैंने अभी इसका जो स्टेटस है, मैंने स्टेटस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने स्टेटस चेक करने के लिए ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेंबर ID सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने मेंबर ID सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे व्यू क्लेम स्टेटस में जा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे नहीं है, जो ये पहली बार है। आप यहाँ पे देख सकते हो तीन बार ऑलरेडी सेटल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी आप लोगों को अकाउंट ओपन करके दिखाया। अभी क्लेम स्टेटस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3 बार ऑलरेडी सेटल हो चुका है। अगर इसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड कुछ भी गलत होता या अपडेट नहीं होता तो ये 3 बार भी नहीं आना चाहिए था। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका PDF ओपन करके आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद क्या करना है, ऐसे एरर अगर आ रहा है तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में जाना है। डेस्कटॉप साइड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो PDF में डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया। मैं PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो जो क्लेम किया था यहाँ पे पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसे करके आपको देखना है। अब मैं बता देता हूँ इसको क्या करना है, इसका क्या सॉल्यूशन है। पहले जैसे आप क्लेम करते थे आपके पास यहाँ पे देख सकते हो सेंड टू फील्ड ऑफिसर, अगर आप सबमिट कर दिया, सबमिट डेट टाइम के साथ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेंड फील्ड ऑफिसर के पास पहुँचता है। उसके बाद जाके चाहे सेटल हो चाहे रिजेक्ट हो, कुछ भी हो तभी जाके होता था। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम के कुछ गलती के वजह से यहाँ पे फील्ड ऑफिसर तक नहीं पहुँचा ही नहीं है। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैंसिल कर दिया, जो रिजेक्ट कर दिया। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको क्या करना है, अभी 10-15 दिन वेट करना है, क्योंकि PF के साइड में जो अपडेट चल रहा है अभी, तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम अभी आ रहा है। कभी KYC के आ रहा है, कभी क्लेम रिजेक्ट का आ रहा है, अभी स्टेटमेंट का भी कुछ दिन पहले आया था। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को कुछ दिन वेट करना है। अभी कुछ भी नहीं करना है PF अकाउंट में, थोड़ी दिन वेट कर लीजिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम आप क्लेम कीजिए या KYC कीजिए, जो मर्जी आप कीजिए तब हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं करना आप लोगों को, थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा। जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।